नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइज अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो गाइज इसमें मैं आपको कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। और गाइज अगर आप इसका यूज करते हो तो गाइज आप काफी आसानी से अपने फोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और गाइज यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको वन हैंडेड मोड, इसको आपको सर्च कर लेना है। और गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है, इसको आपको क्लिक करना है सिंपल। और गाइज इसको जब आप ऑन कर देते हो तो गाइज यहाँ पर आपका काफी सारे ऑप्शन खुल के आ जाता है, जैसे कि गेस्चर है और यहाँ पे बटन है। तो गेस्चर में क्या बोला गया है गाइज, आपको स्वाइप अप डायगोनली, यानी कि आपको जब इस तरह से स्वाइप करते हैं तो गाइज यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड आ जाता है। और गाइज नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आपका तीन बटन भी आता है, एक आता है बैक बटन, होम बटन, और यहाँ पर आपका बहुत सारा टैब बटन भी आता है। सो गाइज यहाँ पर आप बटन से भी कर सकते हैं। जब आप तीन बार जो है होम बटन को प्रेस करते हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तब गाइज आपका फिर से ये खुल के आ जाता है। गाइज इसका जो है आप साइज को भी यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज जितना आपका हाथ जाता है इस तरीके से, जब आप रखते हैं तो गाइज आपका हाथ कितना तक जाता है आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो गाइज आप लेफ्ट हैंडेड भी कर सकते हैं। सो गाइज ये मोड जो है आप यूज करके काफी अच्छा ऑप्टिमाइज करके चला सकते हैं। सो गाइज आप अगर चाहते हैं कि आपका जो ये बैक बटन, होम बटन और पावर बटन जो है यहाँ पर आपका नहीं आए तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑफ। सो गाइज नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको डिस्प्ले में क्लिक करना है। गाइज वहां पर आपको नीचे चले जाना है और नीचे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पर देख सकते हो विजन में आपको क्लिक करना है। और गाइज आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रे स्केल, इसको आप जैसे ऑन करते हैं तो गाइज आपका जो है देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर आप जितने भी कलर है वो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुका है। और जब आप इसको ऑफ कर देते हो तो गाइज आप देख सकते हो इसमें कलरफुल वाला आ चुका है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पर जब आप ऑन कर देते हो उसको तो गाइज आप देख सकते हो कि ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट में आपका यहाँ पे शो होने लगता है। और जब गाइज आप इसको ऑफ कर देते हो तो गाइज यहाँ पर आपका कलरफुल में आ जाता है। तो गाइज आप अपने दोस्तों को यहाँ पे दिखा सकते हो। गाइज और एक आता है यहाँ पे नेगेटिव कलर, तो गाइज जब आप इसको ऑन करते हो तो गाइज आपका जो है ये पूरा नेगेटिव में देखता है, जैसे कि आप पता ही होगा आपको नेगेटिविटी कैसा होता है। तो गाइज कुछ इस तरीके से ये दिखने लगता है, तो इसको आप ऑफ कर सकते हो यहाँ से या फिर ऑन कर सकते हो यहाँ पे। तो गाइज चलिए अब नेक्स्ट हिडन फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। गाइज इसके लिए आपको फोन के ऑप्शन में क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे स्पीड डायल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। गाइज स्पीड डायल होता क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले गाइज आपको कोई एक कॉन्टेक्ट चूज कर लेना है, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट चूज कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे दो नंबर में मैंने एक कॉन्टेक्ट को चूज कर लिया हूँ। गाइज चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आखिर है क्या। तो गाइज सबसे पहले जब भी आप कॉल के ऑप्शन में खोलेंगे और गाइज यहाँ पे आप दो को प्रेस करके रख दीजिएगा तो गाइज जिस इंसान का आप यहाँ पे सेटिंग करके रखे होंगे उसको जो है डायरेक्टली आपको कॉल चल जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज जिससे आप ज्यादा बात करते हैं गाइज उसका आप यहाँ पे स्पीड डायल में आपको यहाँ पे सेटिंग करके रख लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हिडन फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। देन गाइज आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन, ये आखिर क्या होता है। तो गाइज जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फ्लैश जलने लगेगी। सो चलिए मैं एक मोबाइल से मैसेज सेंड करता हूँ, जैसे गाइज मैं इसमें एक मोबाइल में मैसेज सेंड किया हूँ तो गाइज आप पीछे देख सकते हो कि लाइट जल गया है। सो गाइज फिर से मैं आपको दोबारा सेंड करके दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैंने मैसेज सेंड किया तो गाइज यहाँ पर पीछे फ्लैश जलने लग गई थी। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज यहाँ पर ऊपर में शो हो रहा है। सो गाइज इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल के जो काफी स्मूथ फीचर्स है उसको आप ऑन कर सकते हो और गाइज आप अपने मोबाइल को जो चलाने का जो परफॉर्मेंस उसको बढ़ा सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज ऐसे में इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।